तो भाई आज हमारे सामने है नई वाली सिलेरियो और ये इसका VXI CNG वाला वेरिएंट और इसके अंदर इंस्टॉल किया है यूनिवर्सल टाइप आर्मरेस्ट। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इसके ना तो बेस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट आता है ना ही टॉप वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल आर्मरेस्ट लगाया हुआ है जो कि मल्टीपल फीचर्स के साथ है और बहुत से भाइयों का डाउट होगा कि VXI वेरिएंट में पावर विंडो भी यहीं पर आती है तो उसका कैसे अपना यूसेज होता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आर्मरेस्ट चेकआउट कर लीजिए। तो इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ से आप जो है इसके अंदर रीच जो है वो ये देख सकते हैं, रीच बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है। हैंड ब्रेक मेरे हिसाब से आप बिल्कुल प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ तरीके से अपना एस्ट्रे और एक कप होल्डर भी आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से जिसका आप यूज कर पाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है आर्मरेस्ट किसी गाड़ी के अंदर तो आप जो है इस तरीके का आर्मरेस्ट अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं। और एक बार आपका डाउट जो है वो रियर सीट वाला वो भी क्लियर कर देता हूँ। रियर से मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि VXI वेरिएंट से जो आपको पावर विंडो मिलती है वो इस जगह पर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसको इस तरीके से फिट किया है थोड़ा सा ऊपर करके, इसके बाद आप यहाँ से जो ना आराम से ये आप देख सकते हो, तो आराम से यहाँ पे इसकी जो पावर विंडोज है उसका आप यूज कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ा सा लुक जो है वो आपको कुछ इस तरीके से पीछे से देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का रहता है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है पैर वगैरह में आपके लगेगा, नहीं बिल्कुल अपना प्रॉपर जो इंसुलेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और इसकी हाइट भी बिल्कुल प्रॉपर है। अगर आप ये कहते हो कि हाइट ज्यादा लग रही है, वैसे हाइट बिल्कुल प्रॉपर है, हाइट ज्यादा लगती है तो भी आप जो है थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट लगवाना है तो आप लगवा सकते हो। मोस्टली इसकी जो कॉस्ट आती है अपनी 1250 रुपए के आसपास रहती है।